जिस तरह से लोकतंत्र को लगातार कमजोर करने का काम भाजपा की सरकार कर रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश के साथ साथ अब विदेशों में भी इस बात की चर्चा है। देश की जो छवि है वो खराब हो रही है। लोकतंत्र पे जो देश के बाहर है वहां सवाल उठ रहे हैं। भाजपा को सोचना चाहिए कि आपके कामों से, एजेंसियों के दुरुपयोग से देश की भी छवि खराब हो रही है। और जहां राहुल गांधी जी का जो बयान है कार्रवाई का, तो निश्चित रूप से जो भ्रष्ट अधिकारी होंगे या जिन्होंने पक्षपात किया होगा, वो उन पे कार्रवाई नियमानुसार होती है, हमेशा होती रही है। इसलिए जो अधिकारी हैं उनको सरकार के दबाव में नहीं आना चाहिए। उनको अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार। 2 करोड़ रोजगार के वादे, किसानों की आय दुगनी करने के वादे, छुट्टा जानवरों से छुटकारा दिलाने के वादे, महिला सुरक्षा के वादे। तो जो वादे भाजपा ने किए थे, जो मुहावरे गड़े थे 15 लाख रुपए अकाउंट में, तो ये सब बातें आज भी भाजपा कर रही है। और जिस तरीके से भाजपा ने कहा कि जो पैसा आया है हम उसको सोच रहे हैं कि बांट दिया जाए, ये भी एक जुमला है। तो भाजपा ने केवल जुमलेबाजी करने का काम किया है। जो खड़गे जी का बयान है, समाजवादी पार्टी उससे इस बात पे सहमत है कि भाजपा ने केवल झूठ बोल के सत्ता हासिल करने का काम किया है। जनता से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। सर, इंडिया अलायंस को कहा जा रहा है कि वो बिखरता जा रहा है और बिहार में पप्पू यादव ने ऐलान किया कि वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं 2 तारीख को। देखिए, कहीं कोई बिखराव नहीं है कि एक आध सीटों पे झगड़े जरूर रहते हैं, वो भी लोकतांत्रिक तरह से कि लड़ना है। मैं फिर कहता हूं कि इंडिया गठबंधन हो, समाजवादी पार्टी हो, यहाँ कि प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं, कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे। एक से ज्यादा हमारे पास प्रत्याशी, उन प्रत्याशियों के चयन में दिक्कत आ रही है। भाजपा के पास प्रत्याशी क्या है आप बताइए? एक्टर्स को आपको उतारना पड़ रहा है और आपके जो टिकट है उनको वापस किया जा रहा है, कोई संन्यास ले रहा है, कोई पत्र लिख रहा है। इधर इंडिया गठबंधन में किसी ने टिकट वापस किया हो तो बताइए, किसी ने पत्र लिख के कहा हो कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो बताइए, किसी ने संन्यास ले लिया हो तो बताइए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हार की हताश में इस तरीके के झूठे प्रचार कर रही है। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन मजबूत है, भाजपा को हराने जा रहा है। नहीं, आदरणीय अखिलेश यादव जी उसमें जाएंगे नहीं जाएंगे वो फैसला वो जल्द लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी इस बात पर पूरी तरह से सहमत है कि भाजपा एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लोकतंत्र और संविधान को लगातार कमजोर करने का प्रयास कर रही है। और जो आंदोलन पूरे देश में इंडिया गठबंधन या उनके सहयोगी कर रहे हैं उसको समाजवादी पार्टी का सैद्धांतिक समर्थन प्राप्त है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।